हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों एक स्पेशल टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आया हूं। देखिए, एक स्ट्रेटजी के तहत हम लोगों ने बीपीएससी का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। अभी तक क्या था कि कभी भी किसी एग्जाम को टारगेट करके हम लोगों ने कोई कोर्स नहीं स्टार्ट किया था, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री है और स्पेशली आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बीपीएससी के प्रीलिम्स को कैसे निकाल सकते हो। इसका एक अचूक तरीका आपको बताता हूं जो आप कभी फोकस नहीं करते हो, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या कि आज मैं बीपीएससी का जब मटेरियल तैयार कर रहा था, मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे आप लोगों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। उस दौरान मेरे दिमाग में बात आई कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि क्रैश कोर्स का एक बार सर्वे किया जाए और ये देखा जाए कि बीपीएससी अपने एग्जाम में पूछता क्या है। क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कि बीपीएससी अपने एग्जाम में पूछता क्या है, तब तक एक महीने या 40 दिन के अंदर पूरा बीपीएससी का कोर्स पढ़ाना और उसको कवर करना ये एक मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि वहां पढ़ाने के बाद भी कुछ आने वाला नहीं है। दोस्तों जब इस चीज को मैंने ढूंढना चाहा तो मैंने ये देखा पहले कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है। बीपीएससी के सिलेबस में इतिहास है, भूगोल है, राजव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है, गणित है, बिहार से विविध यानी बिहार स्पेशल है और करंट अफेयर है। इस तरह से कुल 8 टॉपिक हैं जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने सोचा कि अगर 65वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स आप पास करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको और मुझे दोनों लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि इसके पिछले साल में जो बीपीएससी अपना एग्जाम कराया है, चाहे वो 64वीं हो, चाहे वो 63वीं हो, चाहे वो 62वीं हो, इसमें एग्जाम का पैटर्न कैसा था, ठीक है। तो यहां पर देखिए 64वीं, 63वीं और 62वीं, मैंने लास्ट तीन एग्जाम लिया यहां पर और मैंने देखा तो मतलब मैं खुद भी दंग रह गया कि एक्चुअली में लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई क्यों नहीं होता है। और जितने लोग अपने यहां टेस्ट सीरीज चलाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं या प्रीवियस ईयर सॉल्व कराते हैं या बीपीएससी का क्रैश कोर्स पढ़ाने में लगे होते हैं और उतना पढ़ने के बाद भी बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाता, गलती कहां है मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों सबसे पहले लास्ट से बात करते हैं। देखिए पहले क्या होता था, इतिहास में बीपीएससी ने 36 क्वेश्चन पूछ रखे थे जबकि 63वें वाले में 30 क्वेश्चन आ गए और पिछले साल जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें इतिहास का क्वेश्चन घट रहा है। देखिए यहां पर 36, यहां पर 30, यहां पर 25, इसका मतलब यह है दोस्तों अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए यह तो कंफर्म हो गया कि इस बार बीपीएससी के एग्जाम में जो इतिहास के क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो 20 से 22 क्वेश्चन होगा। इतिहास से सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इस बात को आप नोट कर लो। आज मैं बोल रहा हूं ना, देखो पेपर का सर्वे करो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आपको लग रहा है ना कि इतिहास से धीरे धीरे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब है यहां पे 5 क्वेश्चन घटा था और यहां पे 5-6 क्वेश्चन घटा था। इसका मतलब है कि कम से कम 5 क्वेश्चन तो घटेगा। अगर 5 क्वेश्चन कम नहीं हुआ तो कम से कम 3 तो कम आएंगे। यानी इस बार बीपीएससी में इतिहास से सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो 20 या तो 22, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन इतिहास से नहीं आएगा। दोस्तों भूगोल में क्या हालचाल है, भूगोल में हालचाल है 3 साल पहले दोस्तों 18 क्वेश्चन भूगोल से पूछे जाते थे, फिर 14 हो गया, अभी 12 हो गया। तो अगर हम भूगोल को ज्यादा ना कम करें फिर भी 2 क्वेश्चन तो आप कर ही कर सकते हो कम, ठीक है। यानी यहां से भूगोल विषय से ज्यादा 10 से 12 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। कितना, 10 से 12 क्वेश्चन आपके भूगोल से पूछे जाएंगे इस बार के बीपीएससी के एग्जाम में। अच्छा तीसरी बात करते हैं दोस्तों राज व्यवस्था से, यानी हमारा जो इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी का ऐसा सेगमेंट है जो कांस्टेंट रहा है, 2 बार तो 12-12 क्वेश्चन आए और 1 बार 13 क्वेश्चन आया। इसका मतलब है कि इस बार 12 या 13 क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाना चाहिए इस प्रीलिम्स के एग्जाम में, ठीक है। यानी हमको अगर इतिहास, भूगोल और संविधान इन तीनों में से कोई ये पूछे कि हमको फोकस क्या करना है, तो एक बात याद रखना, फोकस करना सीधे संविधान को, क्योंकि संविधान का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं इतिहास और भूगोल की अपेक्षा कम है। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो इतिहास और भूगोल पढ़ने से पहले आप संविधान को पढ़ लो, क्योंकि संविधान आसान भी है, उसके तथ्य भी कम है, सिलेबस भी कम है, जल्दी कवर भी हो जाएगा और आप उसमें अच्छे नंबर भी पा सकते हैं। क्योंकि भाई अगर इतिहास आप पढ़ोगे, इतिहास में प्राचीन भी कवर करना है, मध्यकालीन भी कवर करना है, मॉडर्न भी कवर करना है, इसके अलावा खास करके जो आपका स्वतंत्रता संग्राम से
क्वेश्चन आता है, जिसमें बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आता है, वो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, कुल मिला के 4 टॉपिक हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे भूगोल की बात कर लो तो भूगोल में भी 3 टॉपिक, एक स्टैटिक जीके जो है वो भी भूगोल के अंडर में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी, ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि इतिहास भूगोल बाद में पढ़िए, पहले आप राजव्यवस्था पढ़ लीजिएगा। फिलहाल पहले आगे देख लीजिए दोस्तों, अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो अर्थव्यवस्था में पहले 3 साल पहले 11 क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद 13 पूछा था, उसके बाद 12 पूछे था। यानी एक बात याद रखो कि अगर इतिहास और भूगोल से क्वेश्चन कम आएंगे तो किसी न किसी सेगमेंट को बढ़ाएगा आयोग, क्या करेगा, किसी न किसी सेगमेंट को बढ़ाएगा। और जो मुझे लगता है कि बीपीएससी 100% दोस्तों इस बार अर्थव्यवस्था से ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाली है। यहां पे क्वेश्चन की संख्या देखिए, यहां पर अगर हम पॉलिटी की बात करें तो 12-13 क्वेश्चन यहां भी रहेगा, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इस बार क्वेश्चन की संख्या बढ़ करके 12-15 होगा। कंफर्म इकोनॉमिक्स में 12-15 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। साइंस, साइंस और मैथ दो ऐसे पॉइंट हैं बीपीएससी के जो हमेशा कांस्टेंट रहे हैं, लगातार 3 साल तक 20-20 क्वेश्चन साइंस से और 10 क्वेश्चन मैथ से, यानी अगर ये दो टॉपिक को उठा लिया जाए तो 30 क्वेश्चन यहां से आया है। तो इसका मतलब इस बार भी 30 क्वेश्चन का ही रेशियो रहेगा इन दोनों का मिला करके, ठीक है, 30 क्वेश्चन का रेशियो रहेगा यहां पर दोनों का मिला करके, यानी 30 ही आने वाला, इससे ज्यादा नहीं आया। हाँ, अगर हम बिहार स्पेशल की बात करें, जिसको हम बिहार मिसलेनियस या बिहार विविध कहते हैं, तो ये समझिए 3 साल पहले 15 क्वेश्चन, उसके बाद 24 क्वेश्चन और फिर सीधे 37 क्वेश्चन, यानी एक बात कंफर्म है कि इस बार भी बिहार स्पेशल से कम 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछे जाएंगे। और अगर हम लास्ट बात कर लें करंट अफेयर का, तो 3 साल पहले 28, फिर 27, फिर 21, यहां घट जरूर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों क्योंकि देखिए इतिहास में भी क्वेश्चन कम हो रहे हैं, भूगोल में भी कम हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि करंट अफेयर सबसे ज्यादा दावेदारी रखता है, पहला नंबर इसका लगता है कि जहां से क्वेश्चन बढ़े। और इस बार 21 के बाद एक क्वेश्चन 15 ना होकर के ये फिर से 25 होने वाला है, नोट कर लो 25 होने वाला है, ठीक है, तो याद रखिएगा कम से कम 25 से 27 क्वेश्चन इस बार आपके करंट से आने वाला है, ठीक है, 25 से 27। अब बात आती दोस्तों कि हमें क्या पढ़ना, नितिन सर आपने तो तरीका बड़ा गजब बता दिया। देखो दोस्तों बताना बहुत जरूरी था, आप खुद एनालिसिस करो, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, सबसे जाके बोलो मैं बीपीएससी का तैयारी करता हूं, प्रीलिम्स दे रहा हूं, लेकिन निकल नहीं रहा है। एक्चुअली में कमी कहां पर है, कमी यह है दोस्तों कि हमें जहां फोकस करना चाहिए हम कर नहीं पाते हैं। जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं या बड़े बड़े जो संस्थान हैं, उनका काम खाली इतना होता है कि हमारे यहाँ बैच कैसे बन जाए, ठीक है, कैसे बैच बन जाए, पूरा लड़का भरा हो, 1,000-2,000-5,000 का बैच चलता हो हमारे यहाँ, ताकि एकदम पूरा मार्केट में क्या रहे, डंका बजा रहा है कि हम बहुत ज्यादा हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बता दो, अगर कोई 5,000 बच्चों को पढ़ाता है और 5 सिलेक्शन दे भी देता है तो कौन सा तीर मार दिया उसने, कौन सा तीर मार दिया, 5,000 में 5 सिलेक्शन देके क्या कर दिया, उनकी बड़ी बड़ी फोटो छाप दिया, होर्डिंग लगा दिया, पोस्टर बैनर बना दिया, आपको लगा यार कि बस करो हम भी बन सकते हैं। आप नहीं, ऐसे नहीं बनोगे, आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अरे ये भी तो हो सकता है कि जिन लड़कों ने क्वालिफाई किया हो वो अपने बूते क्वालिफाई किए हो, उनके पीछे कोई ना रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आप भी क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं अगर दावा किया हूं आपसे कि मैं बीपीएससी के सिलेबस को लेकर चल रहा हूं, आगे दोस्तों जितना भी एग्जाम होगा, चाहे यूपी का एग्जाम होगा, चाहे राजस्थान का होगा, चाहे एमपी का होगा, मैं हर एक एग्जाम को फोकस करूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। 15 अगस्त को दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट लॉन्च हो रही है, ठीक है, जिसका नाम है study91.co.in, ठीक है, ये वेबसाइट लॉन्च होगा, अभी 15 को लॉन्च होगा, उसके बाद आप वहां जाकर के दोस्तों, मैंने 50,000 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे कलेक्ट करके रखा है हर एक टॉपिक से, ताकि आप जितना पढ़ सकते पढ़ो, आपको किसी चीज का, किसी मटेरियल का कमी नहीं होना चाहिए। और मैं तो इस वेबसाइट को खाली इसलिए बना रहा हूं, आप मांगते हो ना कि सर आपने जो जीएसटी सीरीज पढ़ाया उसका आप हमको पीडीएफ दे दो, आपने साइंस का टेस्ट सीरीज बताया उसका पीडीएफ दे दो, दूंगा दोस्तों, उसी लिए बना रहा हूं ताकि सब पीडीएफ आपको मिल सके, फ्री में मिल सके, पैसे की कोई बात नहीं है, फ्री में मिल सके, फ्री में टेस्ट हो आपका, फ्री में आपका मॉक टेस्ट हो, ठीक है, फ्री में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, सब कुछ फ्री में, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। अच्छा खैर वो बात छोड़िए, पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं दोस्तों, अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, देखिए मैं आपको अचूक तरीका बता रहा हूं, आपको सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो करना है बिहार स्पेशल पर। क्यों करना है सुनिए दोस्तों,
आपको क्या करना, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ना और मुझे कराना है। अब आपको करना है, मुझे कराना है, तरीका क्या होगा पहले समझ लेते हैं। दोस्तों इसके लिए यहाँ पे कट ऑफ मैंने नोट किया है, ठीक है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो कट ऑफ जो था, मैं सीधे जनरल की बात करता हूँ, ओबीसी एससी एसटी बात की बात है, ठीक है। लेकिन आपको कितना पाना है दोस्तों, मेल और फीमेल की बात करूं तो 86 क्वेश्चन कट ऑफ गया था, ठीक है, फीमेल का, और यहाँ 97 गया था किसका, मेल का गया था, ठीक है। यानी हमें जो टारगेट करना है, हमें टारगेट करना है कम से कम हमारा नंबर 100 प्लस हो। वैसे तो आप कहोगे सर क्या बात करते हो, आपको तो ज्यादा लेके चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा पूरा टारगेट है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाऊं, लेकिन फिर भी आपका जो न्यूनतम स्तर होना चाहिए ना, वो कम से कम 100 नंबर होना चाहिए, ठीक है। 3 डिजिट में आपका आंसर आना चाहिए, मतलब आपका जो मार्क्स आना चाहिए 3 डिजिट में लाना है, चाहे जैसे एक के बाद भरे 00 लगा दो, लेकिन कम से कम आपका नंबर कितना होना चाहिए, 3 डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको पाना है 100। अगर 100 करना है यहाँ पर, तो 100 आप कैसे करोगे, कैसे क्या किया जाए 100 के लिए। तो दोस्तों आपको लग रहा है ना कि 37 क्वेश्चन यहाँ पर बिहार स्पेशल से आएगा, मैं कह रहा हूं कि अगर 35 आए चाहे 40 आया, ठीक है, अगर हम न्यूनतम भी मान लें कि चलो 35 या 40 आएगा बिहार स्पेशल से, तो बाकी मुझे कितना ज्यादा करना है, मुझे 60 क्वेश्चन और करना है, मुझे 65 या 60 क्वेश्चन अधिकतम और करना है, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, अभी इतना चीज बचा हुआ है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपको फोकस करना चाहिए करंट पे, बिहार स्पेशल और करंट, और कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 500 अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लाता हूं बिहार स्पेशल का, जो उसके हर एक टॉपिक को कवर करते हो, 500 क्वेश्चन लेके आता हूं आपके पास, ठीक है, 5 दिन में पढ़ के हम लोग खत्म कर देते हैं पहले क्या बिहार स्पेशल को, ताकि बिहार स्पेशल पे हमारा इतना बेहतर कमांड बन जाए कि हम ज्यादा से ज्यादा वहां से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। आप समझो, हमको पहले नंबर पे फोकस करना है किसको, हमको लेके चलना है बिहार के स्पेशल को या बिहार मिसलेनियस को, एक नंबर पे। दो नंबर पे हमको लेके चलना है करंट अफेयर को, ताकि इस दोनों को मिलाकर के कम से कम 30-20-50-10-60 या तो फिर क्या 60-5-65, ठीक है, यानी 60 से 65 आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, केवल दो टॉपिक आप कर लोगे 60 से 65 कवर हो गया। अरे अभी तो इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र कुछ आपने टच ही नहीं किया, आपने जो पढ़ा होगा वो तो पढ़ा ही होगा, ये सोचो आपने इतना बेहतर इसको कर लिया। अगर आपने इसको इतना बेहतर कर लिया, अब तीसरा पॉइंट आता है कि सर तीसरे नंबर पे क्या टच किया जाए। दोस्तों मैं तीसरे नंबर पर आपको कराऊंगा राज व्यवस्था को, नंबर 3 पे मैं फोकस करूंगा राज व्यवस्था, और राज व्यवस्था पहले पढ़ाऊंगा, ताकि राज व्यवस्था से जो भी 12-15 क्वेश्चन आए वो आप कर ले जाओ, ताकि यहां पर जो आपका 60-65 है ये आपका बढ़ के कितना हो जाए 80 तक पहुंच जाए। केवल 3 सब्जेक्ट 80 क्वेश्चन बाहर, 3 सब्जेक्ट 80 क्वेश्चन बाहर, समझो। अभी आपको कितना, केवल 20 नंबर का और जुगाड़ करना है, 20 नंबर अगर। अभी यार एक बात बताओ, क्या आप इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, गणित सब मिला के 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आराम से हो जाएगा, लेकिन उसका भी एक तरीका बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग कवर करेंगे इतिहास को, ठीक है, चौथे नंबर पे। लेकिन इतिहास जो मैं कवर कराऊंगा, मैं एंशियंट हिस्ट्री से नहीं कवर कराऊंगा, ना ही मिडिवल से कवर कराऊंगा, मैं आपको कवर कराऊंगा 1857 की क्रांति से पहले, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, और खास करके जो गांधी ईरा था, गांधी ईरा में बिहार का जो विशेष योगदान था उसको पढ़ा जाएगा। वो एक ऐसा पॉइंट है कि यहां पे जो 22-25 क्वेश्चन की बात किया हूं, कम से कम 10 क्वेश्चन अकेले मॉडर्न हिस्ट्री लेके आएगा आपका, 10 क्वेश्चन अकेले मॉडर्न हिस्ट्री लेके आएगा, क्योंकि जितना मेहनत आप एंशियंट मिडावल में करोगे ना, उससे कम मेहनत में मॉडर्न कवर हो जाएगा, उससे कम मेहनत में। टारगेट क्या है, प्रीलिम्स क्रैक करना, कैसे क्रैक करना है मैटर को समझ लो, तो ये कवर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद मिडिवल और एंशिएंट को कवर करते हुए तब हम लोग हाथ लगाएंगे कहां पर, भूगोल पे हाथ लगाएंगे, तब मैं आपको भूगोल करा दूंगा, ठीक है, पांचवें नंबर पे। छठवें नंबर पे दोस्तों मैं कराऊंगा आपको अर्थशास्त्र, और सातवें नंबर पे किया जाएगा साइंस को, और लास्ट में हम लोग देखा जाएगा मैथ के क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह से अगर मेरी बात को आप मानोगे, मेरे द्वारा बताए गए रास्ते को आप फॉलो करोगे, और आपको लगता है, देखो ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए आप मानो, आप खुद एनालिसिस करो, ये जो लिखा है क्या सही लिखा है, क्या नितिन सर जो बता रहे हो सही है। भाई आप बीपीएससी का एग्जाम देने आए हो, आप इतने बड़े पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, आप कल के ऑफिसर बनने वाले हो, आप भारत का भविष्य हो, क्या आप अभी भी नहीं सोचोगे कि आपके लिए बेहतर क्या है, कब सोचोगे आप बताओ, कब सोचोगे। तो आज तो आपको सोचना पड़ेगा ना, और तरीका क्या है, मैंने आपको बता दिया कि हमको फोकस कैसे करना, आप भी एनालाइज कर लो। देखो इतना ही नहीं, हर साल का कट ऑफ देखो, वही 96 97 96 97, तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ के कट ऑफ गया 100 चला जाएगा। आपको क्या
करना है, आपको 100 प्लस लाना है। लेकिन कैसे, तरीका अगर ऐसे होगा तो बिल्कुल आराम से आप पास हो जाओगे, बिल्कुल आराम से आप क्रैक कर जाओगे एग्जाम को, ठीक है। और उसके बाद मेंस में क्या करना है तो आपको तरीका बताना है, क्योंकि जितने डिटेल में आपको स्टडी 91 पे चीजों को पढ़ाया गया है शायद उतने डिटेल में तो कोई अपने कोचिंग में पैसे लेने के बाद नहीं पढ़ाता, फ्री में क्या खाक पढ़ाएगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे निवेदन है एक बार आप YouTube चैनल पे हमें ज्वाइन करो जिसका नाम है स्टडी 91, सर्च करो और स्टडी 91 पे आओ। जो भी विषय आपको पढ़ना है सभी विषयों को सीरियल क्रम में वहां लगाया गया है, पढ़ाया गया, एक एक चैप्टर पढ़ाया गया, आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा हमारे वेबसाइट से जुड़ करके अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो, लेकिन 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त 2019 को हमारी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी और उसके बाद आप वहां पहुंच करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो एकदम मस्त होके, ठीक है। और उसके कुछ ही दिनों बाद, ज्यादा नहीं 5 से 10 दिन बाद दोस्तों, हमारा एक ऐप भी आ रहा है जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा ताकि आप क्या करो ना, अगर वेबसाइट में आपको मजा ना आए तो आप ऐप के माध्यम से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और अगर आप स्टडी 91 से जुड़े तो याद रखिए, बिहार का प्रीलिम्स ही नहीं, चाहे कोई भी एग्जाम हो हमारे देश का, मैं आपको हर एक एग्जाम क्वालिफाई करा के दिखाऊंगा। आपको विश्वास ना हो तो आप कमेंट पढ़ा करो, कमेंट में बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरा टेट क्वालिफाई होगा, मेरा सी टेट हो गया, मेरा ये एग्जाम हो गया, वो एग्जाम हो गया, तमाम कमेंट आए हुए हैं, आप देखा करो, ठीक है। आपको विश्वास हो तो हमारे साथ जुड़िए और अपनी सफलता को और मजबूत करिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।